है इसका? कौन है आपके? कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलिया, यूपी। बलिया में कहाँ पे? गांव से करिया खोज। ये कहाँ पड़ता है? ये गवाह थाना के पास पड़ता है। थाना है ना? हाँ, थाना के और सिकंदर को भी जो पड़ता है। आपकी मदर है? हाँ जी। तो पहले जब आए थे कितना था क्रिएटिनिन का? सर 8.1 था। 8.10। ये टेस्ट कहाँ से कराए थे आपने? हमने ये सर वहीं से पाल करके हैं, उनके यहाँ से। और अभी कितना है क्रिएटिनिन? अभी 3.89। 3.89। ये वाला टेस्ट कहाँ से हुआ है? ये भी सर वहीं से हुआ था। अच्छा, दोनों आपने मतलब अपने आसपास से ही कराए हैं? हाँ। और सफदरजंग से एक बार इससे पहले बीच में हुआ पड़ा था, उस टाइम 4 पॉइंट था। अच्छा ठीक है, तो काफ़ी बढ़ गया था जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, क्रिएटिनिन काफ़ी बड़ा। तो लास्ट में काज का कोई राय नहीं है, अब इसको ये करना होगा। डायलिसिस, डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, उन्होंने बोला था इमरजेंसी में ले जाओ उनको, डायलिसिस लगेगा। तो फिर हमने सुना था यहाँ के लिए कि मतलब आयुर्वेद में इलाज है, तो हमने डायलिसिस कराना बेहतर नहीं समझा, फिर हम यहाँ पे लेकर चले। अप्रैल में 21 अप्रैल को। ठीक है, तो ये इन्होंने टेस्ट कराए थे 17 अप्रैल 2018 की ये रिपोर्ट है, और ये हेल्थियन से इन्होंने कराए हैं। क्रिएटिनिन इसमें 8.10 के आसपास है। ये आपका 17 अप्रैल को क्रिएटिनिन था 8.10, और फिर इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, इसके बाद ही शुरू हुआ ना ट्रीटमेंट? 21 अप्रैल से शुरू किया। हाँ, और अब इन्होंने एक बार जुलाई में रिपीट टेस्ट कराया है 19 जुलाई 2018 को, उसके अंदर क्रिएटिनिन घट के हो गया 3.89 क्रिएटिनिन हो गया घट के। पहले क्रिएटिनिन जो था इनका वो था 8.10। दोनों रिपोर्ट्स को मैं सामने रखता हूँ, 8.10 पहले क्रिएटिनिन था और अब घट के हो गया 3.89। तो पहले डायलिसिस वगैरह एडवाइस कर दिया था आपको, डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल में, डायलिसिस के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। उन्होंने बोला था इमरजेंसी में लेता हूं इनको, डायलिसिस से थोड़ा कुछ भी सुनते तो थोड़ा घबरा पहले जाती है। अच्छा, आए थे उसको लेके पहली बार आपको दिखाए थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनको इम्प्रूवमेंट आता हो, और आप ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से पूरी तरीके से बाहर हैं, डायलिसिस की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, डायलिसिस की इनको आवश्यकता नहीं है। तो एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर जुलेखा बेगम जी को इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो बाकी पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट्स क्यों नहीं आ सकती? अगर जुलेखा बेगम जी जो इटावा से हैं, बलिया से हैं, इनको डायलिसिस एडवाइस कर देने के बाद भी डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़ी, नहीं पड़ी और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो बाकी सारे पेशेंट्स को क्यों नहीं आ सकती? अगर वो भी इसी प्रकार से सब चीज़ें फॉलो करें, सेट गाइडलाइंस फॉलो करें, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें जो हैं अलग अलग जगहों से जो टेस्ट हुए हैं, उन सारी रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको आधार पर बता रहा हूँ कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि किस प्रकार से क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से किडनी के पेशेंट को एक नया जीवन दिया जा सकता है, किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आती है किडनी के पेशेंट में। आज एक और पेशेंट के माध्यम से जुलेखा बेगम जी सिद्ध हुआ ये कि किस किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट्स आ सकती है। Stop kidney dialysis. So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।